ये बात 90 के दशक की है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में चार शातिर और माहिर खतरनाक चोरों का आतंक फैला हुआ था। उन चारों के नाम तीनू, हरिया, गोपाल और बाके था। अक्सर वो चारों चोर रात के अंधेरे में चोरियों को अंजाम देते, लेकिन ये चारों दिन दहाड़े चोरी करते थे और जिसका सामान चोरी किया है उसे पता चलने से पहले ही ये चारों वहां से गायब हो जाते थे। वैसे इन चारों ने चोरी करना शौक से शुरू नहीं किया। ये चारों अनाथ, लाचार, गरीब और बेसहारा थे। कोई भी इन्हें काम नहीं देता और इनका अपमान भी कर देता था और समाज से लगातार ठुकराए जाने की वजह से ये चारों चोरी करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने चोरी करने का अपना ही एक अलग नियम बनाया था। ये चारों दिन दहाड़े ही चोरी करते थे, जिस वजह से ये चारों बहुत जल्दी मशहूर हो गए और पुलिस हमेशा इनके पीछे पड़ी होती थी और पुलिस ने इन चारों के ऊपर इनाम भी रखा था। ये चारों चोरी करने के बाद ये रात में एक बरगद के नीचे चबूतरे पर बैठकर रात्रि सम्मेलन किया करते थे और रात्रि सम्मेलन में ये चारों यहाँ वहाँ की दुनिया भर की बातें किया करते थे और कभी कभी हंसी ठिठोली भी करते थे और जीवन का भरपूर आनंद उठाते थे। ये चारों हर रात ये कसम खाते थे कि अगली सुबह वो चोरी का काम छोड़कर अच्छे काम करेंगे और नई शुरुआत करेंगे और कुछ अच्छे काम करके अपना घर संसार बसाएंगे। लेकिन फिर अगली सुबह से ये चारों फिर से चोरी के काम में लग जाते और चोरी छोड़ने के काम को अगली सुबह पर छोड़ देते। एक दिन वो हर रोज की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे थे। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। और तभी शाम को उन्हें एक ब्रीफकेस मिलता है। चारों वो ब्रीफकेस लेकर वहां से चले जाते हैं और उस बरगद की पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ब्रीफकेस लॉक होता है। उन्होंने जैसे तैसे करके लॉक तोड़ा और ब्रीफकेस खोला। उसमें चार महंगी अंग्रेजी शराब की बोतलें थी। चारों बहुत उदास हो गए, लेकिन अब जो मिला था उसी का आनंद लिया जा सकता था, इसलिए वो चारों आपस में ही बातें करने लगे। अरे भाइयों, अब बहुत हो गया। अब इस चोरी चकारी से मन भर गया है। अब ये सब छोड़कर हम सबको अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम चाहे कितनी भी चोरियां कर लें, लेकिन हमें सुकून कभी नहीं मिलता। सही कह रहे हो तुम दोनों, मेरा भी यही ख्याल है। अब बहुत हो गया, अब तक जो किया सो किया, अब ये सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, आज रात को एक आखिरी रात्रि सम्मेलन करते हैं, क्या कहते हो? इन अंग्रेजी शराबों का लुत्फ उठाते हैं, कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह से हम चारों चोरी का काम छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चारों सहमत हो जाते हैं और वो चारों एक एक बोतल की शराब पी लेते हैं और चारों अपने बचपन की कुछ यादें ताजा करते हैं और भविष्य में क्या करेंगे इसकी योजना भी बनाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली तब वो अपने आप को जेल में पाते हैं। उन्हें 3 साल की सजा हो जाती है। 3 साल के बाद, 3 साल जेल में सजा काटने के बाद उनकी रिहाई का दिन आ जाता है। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। चारों को फटे पुराने कंबल ओढ़ने के लिए दे दिया जाता है। चारों कड़ाके की उस ठंड में ठिठुरते हुए जेल के बाहर निकल जाते हैं। जेल से छूटने के बाद वो चारों पास के ही एक मंदिर में जाते हैं। वहां वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने किए गए अपराधों का प्रायश्चित करते हैं और बोलते हैं कि कल से कभी चोरी नहीं करेंगे और अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। पर जैसे ही वो चारों मंदिर के बाहर आते हैं तभी उन्हें वहां पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो एक ब्रीफकेस के साथ खड़ा होता है। वो किसी से बात कर रहा होता है
और उस ब्रीफ केस को देखकर उन चारों के मन में लालच आ गया और उन्होंने मौका देखकर उस ब्रीफ केस को चुरा लिया। चारों पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और रात होने पर वो चारों उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच जाते हैं। चारों ठंड से कांप रहे होते हैं और वो उसी चबूतरे पर बैठ जाते हैं। क्यों भाइयों, याद है ना तुम लोगों को, हमारे बिना ये जगह कितनी सूनी हो चुकी है। इस जगह को कैसे भूल सकते हैं भाई, यही तो हमारा घर था, यही तो होता था हमारा रात्रि सम्मेलन। अरे वो कसम तो सबको याद ही होगी ना, जो हम रोज खाते थे कि कल सुबह हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और अगली सुबह उसे अगले दिन पे टाल देते थे। बिल्कुल सही कहा भाइयों, अगर हम लोगों ने अपने आप से किया हुआ वादा सही समय पर निभाया होता, अगर हमने आज का काम कल पर नहीं टाला होता, तो शायद हम चारों ने अपना अपना घर संसार बसा लिया होता। चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अब आज ये आखिरी रात्रि सम्मेलन मनाकर हम सभी अगली सुबह से अपनी अपनी कस्मों को पूरी करने में लग जाएंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। चारों ने सहमति जताई, चारों ने अलाव जलाया और कुछ यहाँ वहाँ की बातें करके चारों सो गए। ठंड बहुत ज्यादा थी और चारों तरफ घना कोहरा था। चारों रात भर ठंड में कांपते रहे। सुबह सूरज की पहली किरण बरगद के पत्तों से छनते हुए उन चारों के ऊपर पड़ी, लेकिन उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई। ये रात्रि सम्मेलन उनकी जिंदगी का आखिरी रात्रि सम्मेलन था। तो दोस्तों, सबको लगता है कि ये चारों ठंड की वजह से मारे गए, लेकिन ये अपनी कर्मों से मारे गए, ठंड से नहीं। तो आइए हम जानते हैं कि पिछली रात इनके साथ हुआ क्या था। बातों बातों में ही वो चारों उस ब्रीफकेस को खोलना ही भूल गए और सो गए। जब वो चारों सो रहे थे, तभी अचानक उन्हीं चारों में से एक दीनू की आंख अचानक से खुल जाती है। दीनू की नजर ब्रीफकेस पर पड़ी, उसने सोचा कि इसमें बहुत सारा माल होगा, उसे लेकर वो वहाँ से भाग जाएगा और उन तीनों को वहीं पर छोड़ देगा। लेकिन जाने से पहले दीनू ने सोचा कि ब्रीफकेस को खोलकर एक बार देख लिया जाए। जैसे ही दीनू ने ब्रीफकेस को खोला तो उसमें बहुत सारे बिच्छू निकलते हैं और वो बिच्छू पहले तो दीनू को काट लेते हैं और फिर सोए हुए हरिया, गोपाल और बाके को भी काट लेते हैं और वो चारों बिच्छुओं के काटने से वहाँ पर मारे गए। कहते हैं कि भगवान सबकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान सबकी परीक्षा भी ज़रूर लेते हैं। तो इन चारों की भी भगवान ने परीक्षा ली। जब ये चारों मंदिर के बाहर आए थे और वो जो बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाई दिया था, असल में वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ का रूप था जिसने इनकी परीक्षा ली। तो दोस्तों, जिंदगी में खुद से लिया हुआ कोई भी वादा या वचन कल पर नहीं टालते, कल का कोई भरोसा नहीं होता कल क्या हो, और अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। कर भला तो हो भला।